मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश कैसी कैसी कमाल करता है, कैसे कैसे आगे बढ़ता है, इस बात को हम भली भांति समझ सकते हैं। कौन सोच सकता था कि कभी गरीबों के जनधन खाते में लाखों करोड़ों रुपये सीधे ट्रांसफर हो जाएंगे। कौन सोच सकता था कि किसानों की भलाई के लिए एपीएमसी जैसा एक्ट में इतने बदलाव हो जाएंगे। कौन सोचता था हमारे व्यापारी आलम पे जो लटकती तलवार थी, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, इतने सालों के बाद वो भी बदल जाएगा। कौन सोचता था कि हमारा स्पेस सेक्टर हमारे देश के युवाओं के लिए खुला कर दिया जाएगा। आज हम देख रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो, वन नेशन वन रेशन कार्ड की बात हो, वन नेशन वन ग्रीड की बात हो, वन नेशन वन टैक्स की बात हो, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड उसकी बात हो, चाहे बैंकों को मर्जर करने का प्रयास हो, देश की सच्चाई बन चुकी है, देश की हकीकत है। भारत में परिवर्तन के इस कालखंड में रिफॉर्म्स के परिणामों को दुनिया देख रही है। एक के बाद एक, एक दूसरे से जुड़े हुए हम जो रिफॉर्म्स कर रहे हैं उसको दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है, और उसी का कारण है बीते वर्ष भारत में एफडीआई में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बीते वर्ष भारत में एफडीआई में 18% की वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है, और इसलिए कोरोना काल में भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की ओर रुख ले रही हैं। ये विश्वास ऐसे ही पैदा नहीं हुआ है, ऐसे ही दुनिया मोहित नहीं हुई है। इसके लिए भारत ने अपनी नीतियों पर, भारत ने अपने लोकतंत्र पर, भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था की बुनियाद की मजबूती पर जो काम किए हैं उसने ये विश्वास जगाया है। दुनिया भर के अनेक बिजनेस भारत को सप्लाई चेन के केंद्र के रूप में आज देख रहे हैं। अब हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड ये मंत्र को लेकर के भी हमें आगे बढ़ना है।